आईपीएल 2024 का जो डेट है वो काफी ज्यादा आगे चलता चला जा रहा है, क्योंकि गाइस अब लगभग यहाँ पे 1.5 महीने का समय बचा हुआ है और गाइस उसके बाद आपको आईपीएल 2024 का महोत्सव देखने को मिलने वाला है। यानी कि आईपीएल 2024 अपने पीक पे रहता हुआ नजर आने वाला है और इसकी जो पूरी तैयारी है वो पूरी तरीके से बीसीसीआई करना स्टार्ट कर दिया, स्टेडियम को लेके या फिर कोई भी चीज हो गई उन सब चीजों को लेके बीसीसीआई पूरी तरीके से फॉर्मेटेड हो चुकी है और उन बात के लिए तो उन कंडीशंस में ये काम करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। और गाइस हम भी यहाँ पे आईपीएल 2024 के रेगुलर इंटरवल पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, लगातार की अपडेट पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस वीडियो का जो सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है यही रहने वाला है कि हैमस्ट्रिंग के इंजरी की वजह से जो कि जट्टू आपको पता है कि यहाँ पे जो इंग्लैंड और जो इंडिया की टेस्ट सीरीज होने वाली है जो कि फाइनल 3 मैचों की जो टेस्ट स्क्वाड रहने वाली है उसमें भी ये हिस्सा रहते हुए नजर नहीं आने वाले हैं और जडेजा को पूरे इस सीरीज के लिए रूल आउट कर दिया गया है। हैमस्ट्रिंग की इंजरी जो कि आपको लगभग यहाँ पे 6 से 8 हफ्ते ठीक होने में लग जाते हैं, उसके बाद भी आपको ज्यादा टाइम लग सकते हैं। तो ऐसे में अगर जट्टू यहाँ पे अनफिट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आईपीएल जो कि काफी नजदीक आ चुका है उस पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आने वाला है। और ऐसे कंडीशन में क्या जट्टू आईपीएल को खेलेंगे या फिर रूल्ड आउट होंगे, उन्हीं के कंडीशंस में बात करने वाला हूं। और गाइस आज जो बात करने वाली है वो सबसे पहले चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर जडेजा बाई चांस अगर 2 से 3 मैचेस मिस करते हैं तो इन्हीं के स्क्वाड में वो कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो कि इनके रिप्लेसमेंट बन सकते हैं और 3 से 4 मैचेस में चेन्नई को सर्व कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, क्योंकि जट्टू अगर बात करें तो हैमस्ट्रिंग की इंजरी से भले ही इंग्लैंड के सीरीज से बाहर हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ये चांसेस हैं कि वो आईपीएल 2024 में अगर स्टार्टिंग के फेज मुकाबले नहीं खेल पाते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़े से 2-3 मुकाबले बीतने के बाद ऐसा हो सकता है कि जड्डू पूरी तरीके फिट हो सकते हैं और ये स्क्वाड में अपनी टीम में जगह बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में कौन रिप्लेस करेगा उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले खिलाड़ी के बारे में जो कि यहाँ पे जड्डू का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है, वो कोई और नहीं बल्कि मोइन अली है। अब मोइन अली की बात कर ले तो यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद मोइन अली की जगह कहीं ना कहीं बन जा रही है, लेकिन उस कदर की बात कर ले जिस तरीके का 2021 में 2022 में मोइन अली की फॉर्म थी और वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में जब दिखती हुई इनकी फॉर्म नजर नहीं आ रही है तो ये प्लेइंग 11 में अपनी जगह भी बनाते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। और ऐसे में अगर जडेजा 1-2 मुकाबले मिस करते हैं तो ऐसे में मोइन अली के पास काफी सुनहरा मौका रहने वाला है कि यहाँ पे वो अपनी प्लेइंग 11 में खुद जगह बना सकते हैं और यहाँ पे प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बल्कि यहाँ पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी से परमानेंट आईपीएल 2024 के प्लेइंग 11 में भी चेन्नई में जगह बना सकते हैं। तो गाइस अगर जडेजा बाय चांस यहाँ पे मिस करते हैं 2-3 मुकाबले तो ऐसे में जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट का जो प्लेस आता है वो सबसे पहले खिलाड़ी जो कि यहाँ पे लेते हुए इनकी जगह नजर आ सकते हैं वो यहाँ पे मोइन अली रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फटाफट पे टेलीग्राम पे चले जाएगा। टेलीग्राम पे क्यों जाना है, क्योंकि अब आपको पता है कि आईपीएल में 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो 1.5 महीने आईपीएल बचे हैं तो आपको एक एक वीडियो कैंप की चाहिए, आपको धोनी के पिक्चर्स चाहिए, धोनी कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको कैंप की एक एक पल पल की अपडेट फुटेज सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि हमारे 8 से 9 एडमिन वहां पे लगातार लगे पड़े हैं। जो भी न्यूज निकल के आती है, जो भी वीडियोस फोटोज निकल के आते हैं आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम पे एक से बढ़ के एक चीजें होती रहती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स मौजूद है, फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे बेहतरीन चीजें लगातार चलती हुई नजर आने वाली है। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। गाइस जो दूसरा खिलाड़ी है वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है जड्डू का, वो है मिचेल फेल्टनर। अब मिचेल फेल्टनर की बात करें तो मोइन अली के आने के बाद इनका परमानेंट प्लेइंग 11 में जगह बनता नहीं है। काफी लोग कहते भी हैं कि मिचेल फेल्टनर को चेन्नई क्यों नहीं खिलाती है, क्योंकि एक परफेक्ट यहाँ पे खिलाड़ी है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, काफी तक प्लेयर्स को बांध के रखते हैं और बल्लेबाजी में भी अच्छे खासे शॉट्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट ये न्यूजीलैंड के T20 आइस के कैप्टन भी रहते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पे चेन्नई नहीं खिलाती है, ये यही चीज है कि इनके पास जडेजा का इंपैक्ट और बैकअप ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, तो एक टाइप के ये 2 खिलाड़ी खिलाने में उतने ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अगर जड्डू यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर होते हैं तो वही चीज सामने निकल के आती है, तब यहाँ पे मिचेल फेल्टनर को आसानी से टीम में जगह मिल जाएगी और मिचेल फेल्टनर प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है कि एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो मिचेल फेल्टनर रहते हुए नजर आ सकते हैं। सो भाई फाइनली बात करने वाले हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो भाई इनका नाम है समीर रिजवी। समीर रिजवी का क्रेज काफी ज्यादा चल रहा था, मैंने इनके ऊपर वीडियो बना दिया था कि आखिर ये कौन खिलाड़ी है, कैसा प्लेइंग 11 में इनका जगह बनेगा, कैसा ये फॉर्म अपना दिखाते हैं। तो गाइस वही चीज सामने निकल के आती है कि समीर रिजवी
हो सकता है कि यहाँ पे जडेजा का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि ये बात कर ले तो ये थोड़े से लेग स्पिन भी कराते हैं, गेंदबाजी भी स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी तो इनकी खूंखार है ही। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो समीर रिजवी एज इंडियन यंग प्लेयर के रूप में तो टीम में शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन वो जो चीजें आती है मोइन अली और मिचेल सैंटना के साथ की विदेशी खिलाड़ी वाला जो थोड़ा सा इनके साथ डी मैरिज चला जाता है, वो चीजें समीर रिजवी के साथ जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में बात कर लिया जाए तो समीर रिजवी इनके टीम में यहाँ पे परफेक्ट तौर पे अपने टीम में शामिल किए जा सकते हैं और यहाँ पे तीसरे खिलाड़ी समीर रिजवी रहते हुए नजर आने वाले हैं। तो भाई पानी बात करने वाले चौथे खिलाड़ी के बारे में, तो भाई इनका नाम है रचिन रविंद्र। रविंद्र का अभी फिलहाल यहाँ पे दोहरा शतक निकल के आ रहा है, दोहरा शतक के बाद रचिन रविंद्र का जो कि एक औदा है वो यहाँ से यहाँ जा पहुंचा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी सेम फॉर्म दिखाना, 2024 के कैलेंडर ईयर में भी सेम फॉर्म दिखाना, चेन्नई के फैंस खुश हो चुके हैं कि भाई हमारा खिलाड़ी तो अच्छे फॉर्म में है और वो अच्छा कर सकता है। लेकिन क्या प्लेइंग में मौका मिलेगा? अब मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो रचिन रविंद्र एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं यहाँ पे बात कर लिया जाए तो आपके जड्डू के, क्योंकि आप यहाँ पे खिलाएंगे, आप रचिन रविंद्र को टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे, ओपन में खिलाएंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि जो खिलाड़ी नंबर 3 पे बैटिंग करता है वो हो सकता है नंबर 4 पे चला जाए और आप रविंद्र को ऊपर भी खिला सकते हैं गेंदबाजी, तो आप जानते ही है कि ये अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा खिलाड़ी इनको मिल जाएगा और जो कि चीजें आप ये भी कह सकते हैं कि रविंद्र जाएंगे अपना बेहतरीन फॉर्म दिखाएंगे, चौके छक्के की बरसात कर देंगे और उसके बाद ये आसानी से बात कर लिया जाए तो टीम को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। तो ऐसे में बात करें तो चौथे खिलाड़ी रचिन रविंद्र रहेंगे। पांचवें और अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो निशान सिंधु का नाम निकल गया था। हाँ, निशान सिंधु की बात कर लें तो ये भी खिलाड़ी पिछले साल पूरा बेंच पे बैठा था, लेकिन डोमेस्टिक अच्छा गया है, ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो अगर आप यंग स्टार पे, अगर आप फ्यूचर पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप फ्यूचर को अपना बेटर बनाना चाहते हैं, तो निशान सिंधु इनके लिए बेस्ट खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन क्या चेन्नई ट्राई करेगी? थोड़े से गर्दिश है, थोड़े से यहाँ पे समस्याएं हैं, लेकिन देखना होगा चीजें क्या होती हैं। लेकिन यही पांचवें खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पे इनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। गाइस ये थे वो पांच खिलाड़ी जो कि यहाँ पे बात कर लें, जड्डू अगर यहाँ पे दो तीन मुकाबले मिस करते हैं एज अ हैमस्ट्रिंग इंजरी तो यहाँ पे इनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट ये बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टॉप 2 प्लेयर्स जो कि सटीक इनका रिप्लेसमेंट बन सकता है, वो पहला खिलाड़ी जो रहेगा वो मेरे हिसाब से जो सामने निकल के आता है मिचेल सैटनर, और जो दूसरा खिलाड़ी है वो मेरे हिसाब से निकल के आता है समीर रिजवी। इन्हीं दो में से कोई एक खिलाड़ी हो सकता है इनके प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा अगर जड्डू यहाँ पे अपनी बात करें तो हैमस्ट्रिंग इंजरी से उभर नहीं पाते। तो गाइस ये थी वीडियो जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जड्डू की हैमस्ट्रिंग इंजरी कहीं ना कहीं हर्ट करता हुआ नजर आने वाला है चेन्नई को, वो सेम चीजें हो सकती है दिखता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट है, हमने सब चीजों की यहाँ पे इस बार के ऑप्शन में बेहतरीन काम किया है। तो गाइस पूरी तरीके से दिक्कतें हट सकती हैं। तो गाइस आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी इनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है, आप भी अपनी जो राय कमेंट करेगा, वीडियो फिलहाल कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं।